सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हैकर पर। आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम धांसू ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको मैथ्स में बहुत हेल्प करेगी। तो इसी वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, वनस्पति घी के 2 ड्राम हैं, उनमें से एक में 25% तेल और शेष में 75% घी है और दूसरे में 50% तेल और शेष में 25% घी है। प्रत्येक ड्राम से कितना वनस्पति घी लगभग मिलाना चाहिए ताकि 14 लीटर वनस्पति घी इस प्रकार प्राप्त हो सके कि घी का तेल से अनुपात 5:2 हो। तो देख चलिए क्वेश्चन को छोटा करके साइड में लगाते हैं। देखिए ए में हवा दे रखा है, ऑयल और घी का अनुपात 75, इसको चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर सीधे परसेंटेज से ही ले सकते हैं। बी में हमारा दे रखा है ऑयल और घी का अनुपात 50:50 और जब बन के आए तीसरा जो ड्राम है जिस मिलाने के बाद जो है उसका अनुपात होना चाहिए 5:2, इसको चाहें तो आप परसेंटेज में निकाल लीजिए। चलिए हम इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम परसेंटेज में ले रहे हैं। 5:2 हमको इसमें घी मिलाना है तो घी को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो घी कितना है 5 और टोटल है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की तो ये आ जाएगा 500/7%। तो हमें प्रतिशत मालूम है तीनों में घी की। तो देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यू अवेलेबल हैं, अब इस पर हम लगा देते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन फार्मूला। तो ए में घी हमारा कितना है इसे लेफ्ट साइड, बी में कितना है उसे राइट साइड। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, ए में घी है 75% और बी में है 50%। अब जब ओवरऑल आ जाए मिल दोनों को मिला देना चाहिए तो जो बने उसमें घी का प्रतिशत कितना है 500/7%। अब देखिए इसमें डिवाइड बाय 7 हो रहा है तो हम क्या कर देंगे दोनों में ए और बी में 7 की मल्टीप्लाई और 7 की डिवाइड कर देंगे ताकि वैल्यू को हम इजीली सॉल्व कर सकें। ऐसा करने से क्या होगा कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो अब हमको सिर्फ न्यूमिरेटर की माइनस या प्लस करना है। तो देखिए ऊपर 50 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो आएगा 350/7। अब इधर सेम इस तरफ करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये आ जाएगा 525/7। ठीक है, अब तीनों का डिनोमिनेटर 7 है तो 525 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 और इसी तरह 500 इस माइनस करेंगे 350 कितना आ जाएगा हमारा 150। यह 150/25 से तो काट देंगे 25 से 1 बार और 6 बार, टोटल कितना आइए 7। 7 दिखाया हमारे कितने को, ये 14 लीटर को मिलाया, जो 7 दिखाएगा हमारा 14 को। देखिए 7 दिखा रहा हूँ 14 को, 14 लीटर मिलाया है तो 7 हमारा दिखा रहा है 14 को। तो 1 कितने को दिखाएगा हमारा, 1 करेगा 2 को और 6 बताएगा 12 को। तो अनुपात हमारा कितना आ गया 12:2। तो आंसर में देख लेते हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, 2 सॉल्यूशन S1 और S2 में विस्की और सोडा क्रमशः 2:5 और 6:7 के अनुपात में है। 5:8 के अनुपात में विस्की और सोडा युक्त नया घोल S3 प्राप्त करने के लिए इन सॉल्यूशन को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है इसका पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 2 सॉल्यूशन दे रहा है मिलाकर तीसरा बना रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन 1 में क्या दे रखा है हमारा, विस्की और सोडा का अनुपात कितना है, कितना दे रखा है हमारा, ये हमारा दे रखा है 2:5। और सॉल्यूशन 2 में हमारा दे रखा है विस्की और सोडा का अनुपात, विस्की और सोडा का अनुपात दे रखा है हमारा 6:7। ये दो सॉल्यूशन है। अब जो दोनों को मिलाने के बाद तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उसमें अनुपात क्या रहेगा विस्की और सोडा का, ये हमारा रिजल्ट सॉल्यूशन है S3। ठीक है, इसमें दोनों का अनुपात हमें दे रखा है कितना विस्की और सोडा का, ये दे रखा है 5:8। तो इसमें से किसी का भी आप रेशियो ले सकते हैं विस्की या सोडा का। तो देखिए अब मैं लेता हूँ S1 के विस्की का, विस्की साथ लेते हैं, S1 विस्की कितनी है 2 और टोटल कितना है 7, तो 2:7 आ जाएगा। S2 में विस्की कितनी है 6 और टोटल कितनी है 13, 6 और 7 13। ठीक है, डिनोमिनेट 13 आ जाएगा। अब जो फाइनल है S3 में विस्की कितनी है 5 और टोटल कितना हो गया 8 और 5 13। तो देखिए 2 में तो डिनोमिनेटर 13 है, 5/13, तो देखिए 2 में डिनोमिनेटर हमारा 13 है और 1 में 7 है, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ताकि हम जल्दी सॉल्यूशन कर सकें। तो क्या करें, जिसमें डिनोमिनेटर 13 है उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और जिसमें डिनोमिनेटर 7 है उसमें 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो देखिए हम इस तरह से 13 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का नीचे कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 7 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 की 7 से और 13 की 2 से आ जाएगा आंसर। देखिए हमारा कितना आएगा 42/91 और ये आ गया 35/51 और ये आ गया 13×26/91। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब हमको कुछ नहीं न्यूमिनेटर से प्लस या माइनस कर देना है तीनों का। इससे क्या होगा हमारा जल्दी होगा काम और टाइम और बचेगा एग्जाम में।
या तो आप एलसीएम जानते हो या फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा इससे। तो देखिए हम लिख लेते हैं एक बार, 26 डिवाइड बाई 91, 42 91, 35 डिवाइड बाई 91। इसको हम देखिए बड़ी की तरह से छोटी की तरह सर्कल घुमा देते हैं, तो 42 से जाएगा 26 की ओर। तो 42 में से जब 35 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7। और 35 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 9। और यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा, ये S3 में ये सॉल्यूशन होना चाहिए 7:9 का। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक परिवार की आय 6% की कमी तथा खर्च में 8% की कमी होती है तथा उसकी बचत में 4% की वृद्धि होती है और परिवार की आय तथा खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह हम मिक्सचर एलिगेशन फॉर्मूला लगाते हैं उसका एक मेथड बता देता हूँ पहले आपको मैं, कि किस तरह से हम मिक्सचर एंड एलिगेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। एक तरफ आपका आता है खर्च, दूसरी तरफ आता है आपका बचत या सेविंग और एक्सपेंडिचर, और जो बीच में इनका आता है वो आता है आपका आय या फिर इनकम, और जो इनका रेशियो आता है वो आता है आपका रुपए। ठीक है, ये आपका एक पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इसका खर्च क्या हो जाता है, खर्च में कमी आ जाती है 8% की और बचत में वृद्धि हो जाती है 4% की। वृद्धि में आपका प्लस का साइन लगेगा और कमी में आपका नेगेटिव का साइन लगेगा, और टोटल आपका कह रहा है आय, आय में भी कमी हो जाती है 6% की, तो माइनस कर देंगे हम। बड़े से छोटे की ओर जाते हैं हम, तो बड़ा यहाँ पर क्या है 4, 4 से 8 की तरफ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 माइनस माइनस 6। ठीक है, तो -6 को हम जरूर ब्रैकेट में ले लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे -6 माइनस -8, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जो 8 है वो प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 में से 6 को हम माइनस कर देंगे तो आपका जो 2, इन्हों काट देंगे हम तो आ जाएगा रेशियो 5:1। ये 5:1 आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। तो देखिए टोटल 10 पारी हैं, 10 पारी में उसने 32 रन बनाए हैं, लिख लेते हैं पारी एक तरफ रन एक तरफ। अब क्या हो गया, एक पारी और ज़्यादा खेल ली और कितनी पारी हुई, 11। इससे क्या हो गया, आपका रन कितना बढ़ गया, आपका औसत जो था 4 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, ये जो एक पारी इसने खेली तो ज़्यादा रन मारेंगे औसत से, तो 11 की गुणा जब 4 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44। ये 44 रन ज़्यादा मारे हैं औसत से, तो अब इसको 4 अपना औसत बढ़ाना है, 4 बढ़ेगा 11 की पारियों में टोटल में, तो 11 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। इस 44 को हम जोड़ देंगे 32 में, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा 76। 76 उसको रन मारने पड़ेंगे अपनी अगली पारी में ताकि उसका एवरेज 4 बढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन प्रति विकेट 11.5 प्रति रन विकेट है, उसने अपनी अगली पारी में 22 में 5 विकेट लिए जिससे उसका औसत रन प्रति विकेट 11 हो गया, तो इस पारी से पहले कितने विकेट लिए गए होंगे। तो देखिए पूछ रहा है इस पारी से पहले कितने विकेट लिए होंगे, तो पहले कितने लिए थे 11.5, अब इसने कितने ले लिए 12 में 5 विकेट, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 22 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो हमारा एवरेज आ जाएगा 4.4। इसको राइट साइड में लिख लेंगे, और बीच में अब कितना हो गया हमारा 11, टोटल कितना हो गया अब हमारा 11। तो अब लगा देंगे हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन फार्मूला, घुमा देंगे 11.5 से 4.4 तक, तो 11.5 में से 11 को घटाएंगे तो 0.5, और 11 में से 4.5 को घटाएंगे तो 6.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कितना आ गया 66:5। अभी जो 5 है हमारा बता रहा है 5 को, क्योंकि ये 5 बता रहा है कि 5 ही विकेट लिए हैं, तो 1 बताएगा 1 को, तो इसीलिए 66 बताएगा हमारे 66 को। इससे पहले कितने विकेट लिए होंगे उसने, इससे पहले लिए होंगे उसने 66 विकेट, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 50 छात्रों के एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों के औसत अंक 58 है और लड़कियों के 62 हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। तो पूछ रहा है, देखिए बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो में मालूम है कितना है 46, गर्ल्स है हमारी तो बची हुई कितनी होंगी 54 हमारे लड़के होंगे, इन्हें काट देंगे हम कितना आ जाएगा 27:23। अब हमें बॉयज़ का भी एवरेज पता है, गर्ल्स का भी एवरेज पता है, और साथ साथ हमें पता है कि उनकी कितनी नंबर्स हैं। तो देखिए बॉयज़ का एवरेज कितना है 58 और गर्ल्स का है हमारा 62,
ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का है, दोनों का मालूम पड़ गया। और बीच का जो है वो हमें मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में एकदम सिंपल से ट्रिक बताता हूँ मैं आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है जल्दी। तो देखिए, हमको नंबर कितने दे रखे हैं, अभी हमने निकाला बॉयज़ और गर्ल्स के 27:23। तो जो नीचे वाली वैल्यूज होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, 27 + 23 ऐड कर देंगे। और ऊपर जो एवरेज होते हैं दोनों के, उनको हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा एवरेज वो आ जाएगा, सॉरी डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए, 62 - 58 कितना आ गया, 4। और इसी तरह 27 + 23 हम कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो जो कि आएगा आपका 50। ठीक है, अब 50 बता रहा है आपका 4 को, तो एक हमारा कितने बताएगा ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 4/50 हमारा आ जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 0.08 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं 23 हमारा कितने को बताएगा, 23 निकालने के लिए 23 की मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 में, तो जो कि आ जाएगा 1.84। इसी तरह बॉयज़ का जो कि नंबर 27, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 से, और आ जाएगा हमारा 2.16। तो देखिए, हम लिख लेते हैं बॉयज़ की जगह पर नंबर और गर्ल्स की जगह पर भी। तो इससे हम क्या करते हैं, देखिए जो बड़ा वाला है उसमें से वैल्यू को माइनस कर देंगे, और जो छोटा वाला है उसमें वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो दोनों की जो बीच की वैल्यू होगी वो सेम आएगी। देखिए, आप 62 में से 2.16 माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगा वही आएगा हमारा, जो 58 में 1.84 को हम जोड़ देंगे। तो देखिए, 58 + 1.84 हम जब करेंगे तो आएगा आपका 59.84। इसी तरह से जब 62 में से 2.16 जब माइनस करेंगे तो भी आपका 59.84 ही आएगा आंसर। तो हमारा आंसर दोनों तरह से सेम आएगा, किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। और इसी तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, दूध और पानी के मिश्रण में 75% दूध है, और मिश्रण बी में दूध और पानी में 10% पानी है। तो इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाने के लिए अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 15% पानी हो। तो देखिए, दोनों में हमें पानी और दूध का रेशियो प्रतिशत दे रखा है, तो हम सी सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इनका अनुपात लिख लेते हैं। किस अनुपात में, ए और बी में पानी और दूध का अनुपात है, प्रतिशत दे रखा है, उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सॉरी अनुपात चेंज कर लेंगे। 75 दूध है और तो 25 हमारे क्या रहेगा, पानी। इसी तरह बी में 10% पानी है, तो 90% हमारे क्या रहेगा, दूध। इसको आप चाहें तो काट के छोटा कर लीजिए, लेकिन छोटा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एंड में जो दे रखा है 15% ही दे रखा है पानी भी। तो देखिए, पानी से हम लेके चलें, क्योंकि एंड तक पानी की बात चल रही है। ए में पानी कितना है, 25%, बी में पानी है आपका 10%, और जो आखिरी में आएगा आपका रिजल्ट उसमें है 15% पानी। ठीक है, 15%, देखिए ये लिखा है 15% पानी होना चाहिए। अब इसमें हम लगाते हैं मिक्सचरण एलिगेशन फार्मूला। तो बड़े से छोटी की ओर जाएंगे, 25 से हम जाएंगे 10 की तरफ, 25 में से हम माइनस कर देंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 25 में 15 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और 15 में से 10 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5। तो काटने पर आपका क्या आ जाएगा, रेशियो 1:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्जुन द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक और अधिकतम अंकों का अनुपात 5:3 और 3:1 है। यदि दोनों विषयों में अधिकतम अंक समान है, तो दोनों विषयों को लेने पर अर्जुन का द्वारा प्राप्त अंक का अधिकतम अंक से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अधिकतम अंक आपके सेम ले रखे हैं जब दोनों रहें। तो अब अर्जुन का इंग्लिश और मैथ में कितने हैं प्राप्त अंक और अधिकतम अंक का रेशियो हम लिख लेते हैं, ऑब्टेंड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेंड मतलब आपका प्राप्त अंक कितने किए उसने, 5, और मैक्सिमम आपका 3। इंग्लिश में इसी तरह से इसके प्राप्त अंक इसके और अधिकतम अंक कितने, 3:1 में है, 3:1। अभी कह रहा है कि जो दोनों विषयों के जब हम एक साथ लेते हैं तो समान है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिक्सचर एलिगेशन फार्मूला के। मैथ के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 8, 5 + 3 = 8। ठीक है, ये इसका दिखा देगा रेशियो। अब इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, 1, और टोटल कितने हैं, 1 + 3 = 4। ठीक है, अब बीच की हमें वैल्यू निकालने सेम, लेकिन इसमें हमें पहले से ही पता नीचे रेशियो कितने हैं, अधिकतम अंक का बराबर है। देखिए, 3/8 बड़ा है 1/4 से, तो हम वैल्यू बड़े से छोटी की तरफ जाते हैं माइनस करते हुए। अब देखिए, कह रहा है कि समान अंक हैं, तो समान अंक मतलब 1:1 आ जाएगा हमारा, 1:1। तो फिर हम सिंपल से वही फॉर्मूला कर लेंगे यूज़ जिससे पहले क्वेश्चन में किया था, नीचे वाली वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ का हम अंतर निकाल लेंगे।
ऊपर वैल्यू मतलब 3/8 का और 1/4 का हम डिफरेंस कर लेंगे, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो अभी बताया 3/8 माइनस 1/4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो इधर नीचे क्या है, ऊपर तो 1/8 आ गया और नीचे तो 1+1 2 आ गया, तो 2 आपको दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है 1/8 को, तो 1 आपको कितना दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 दिखाएगा आपका 1/16, ठीक है। अच्छा, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ जाएगा 1/16, और इधर भी लेफ्ट साइड में भी 1/16, ठीक है। इसे हम नीचे उतार लेते हैं सेम क्वेश्चन को, ये 3/8 और 1/4 नीचे उतार लेते हैं इनको, तो आपको देखते बड़े क्वेश्चन में लेते हैं 3/8 और 1/4, इधर नीचे बीच की वैल्यू निकालनी है हमको, और नीचे आ जाएगा आपका 1/16 और 1/16 दोनों तरफ। वही सेम क्वेश्चन है आपका, क्या करना है, बीच की वैल्यू निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे इसको माइनस कर देंगे और छोटे वाले में से इसको प्लस कर देंगे, तो 3/8 में से हम माइनस कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम एक और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा ना वो उसका डिनोमिनेटर 16 रहेगा, तो देखिए 1 ही में आ रहा है 16, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सी से ऑप्शन से भी कर सकते थे, एग्जाम में आप ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं। बाकी हम सॉल्व करते हैं इसको, 3/8 माइनस 1/16, ये हमारा आ जाएगा 5/16, ठीक है, 5/16 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम कि 16 तो हमारा है कितने मैक्सिमम मार्क्स, 16 हमारे है कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, अब उसने ऑप्टेन कितने किए हैं, ऑप्टेन के लिए हम कर देंगे 16 में से किसको 5 को माइनस, और उसने किया 11 मार्क्स ऑप्टेन किया, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 11:16, जो कि हमारा आंसर सी है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्या है कि मोहन का खर्च और बचत का अनुपात 4:1 है, अगर उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है और बचत में 12% की, तो उसका खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, राइट साइड में सेविंग मतलब बचत लिख लेंगे हम, और बीच में जो आता है वो आपका आता है आय, ठीक है, और उनको साइन के साथ लिखते हैं, अगर कम हुआ है तो माइनस और ज़्यादा हुआ है तो प्लस का साइन लगा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सेविंग बढ़ी है 12 से और इनकम बढ़ी 20 से, तो एक तरफ छोटा है तो दूसरी तरफ बड़ा होगा ही, तो हमारे 20 में से 12 गया 8 आ जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर होगा आपका ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है 20 से, और देखिए अनुपात हमारा 4:1 दे रखा है, तो 4 हमारा बता रहा है 8 को, 1 बताएगा 2 को, तो 1 आगे 2 को, तो 20 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर हमारा 22%, जो कि हमारा आंसर है बी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सौरभ ने हर महीने 4,000 रुपये कमाए, पिछले महीने से उसकी आय में 8% की वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 12% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में 4% की कमी हुई, उसके बढ़े हुए व्यय और प्रारंभिक बचत का पता लगाएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लेते हैं हम, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है 12% से प्लस का साइन, सेविंग घटी हमारी 4 से तो माइनस का साइन, इनकम हमारी कितनी बढ़ी है प्लस 8, तो हमें लगा देंगे ज़्यादा से कम की ओर, 12 से हम जाएंगे 4 की तरफ, तो 12 में से 8 को जब हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपका 4, और प्लस 8 माइनस का 4 और फिर माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारा 12, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 12:4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3:1। अभी 4 जो 3:1 कितना होगा टोटल 4, 4 हमारा बताएगा 4,000 रुपये को, ठीक है, 4 बताएगा 4,000 रुपये को, तो 1 हमारा बताएगा 1,000 रुपये को, 1 बताएगा हमारा 1,000 रुपये को, जो कि हमारी सेविंग होगी, 3 बता रहा है हमारा 3,000 रुपये को। अभी हमारा पूछ रहा है कि प्रारंभिक बचत, और प्रारंभिक बचत हमारी 1,000 हो गई, और अब जो है उसकी बढ़ी हुई व्यय है, तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं, कितना होगा 3,000 का हम 12% या तो निकाल के जोड़ दें या फिर सीधे सीधे 112% निकाल दें हम, तो 112% निकाल देते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3,360, ये हमारा बड़ा हुआ इसका व्यय हो गया खर्चा, तो 3,360 और 1,000 रुपये हमारा एक आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन आपका है, धर्मेंद्र ने 1,50,000 रुपये में एक घोड़ा और गाय खरीदी, फिर कुछ समय बाद उसने दोनों को बेच दिया, उसने घोड़े को 25% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन पूरे लेन देन में उसने कुल अर्जित किया लाभ के रूप में 33,000 रुपये। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कॉस्ट प्राइस हमें पूछा था कि हम निकाल लेते हैं 33,000 रुपये 1,50,000 का कितना प्रतिशत है, तो हमें उससे मालूम पड़ जाएगा टोटल एवरेज में उसका कितना आया हुआ।
तो देखिए हम मान डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 22% निकल जाता है। तो हॉर्स मतलब घोड़े को उसने कितने पर बेचा हमें और गाय को कितने पर बेचा, एक तरफ लिख लेते हैं। तो घोड़े को बेचा उसने 25% के लाभ पर प्लस का, और गाय को बेचा +20 के लाभ पर, और ओवरऑल पे उसको +22 का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हम ज़्यादा से कम की ओर बढ़ जाते हैं, 25 से 20 की तरफ जाएंगे। तो 25 में से जब हम 22 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3, और 22 से जब 20 को घटाएंगे तो आएगा 2। तो ये जो 2:3:5 टोटल हमारा दिखाएगा 1,50,000 को, टोटल रुपये जो होंगे 1,50,000 को दिखाएगा, ठीक है, 1,50,000। अब इससे हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाती है हमारी 30,000 रुपये। इसी तरह से हम 2 का निकाल लेंगे जो कि हमारे घोड़े को बता रही है, वो आएगी हमारी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। इसी तरह 3 की हम निकाल लेते जो कि हमारी गाय को बताती, तो आ जाती है हमारी 90,000 रुपये। तो 90+60,000 हम प्लस करते तो टोटल हमारे 1,50,000 हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।